बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काश कर भाई असलकम मैं मोहम्मद अब्बास ज्या खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ आपसे मखातब हूँ आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको गंदम की खादों के मतलब उसकी सही रहनमाई कर सकूँ गंदम को बजाई से लेकर कटाई तक सोलह खुराकियाज़ा यानी सोलह खादे चाहिए होती हैं इन सोलह खुराकी अजा में से सत्तर फ़ीसद खुराकी अजा ज़मीन हवा पानी से कुदरती तौर पर मिल जाते हैं अब तक इन सोलह खुराकी अजा में से पांच खुराकी अजा यानी पांच खादों की कमी आ गई है वो खादें कौन कौन सी हैं कौन सी खाद क्या काम करती है खाद कितनी डालनी चाहिए खाद कैसे और कब डालनी चाहिए ये है आज का हमारा मौजू सबसे पहले नाइट्रोजन ये यूरिया वाली खाद है इसका बुनियादी काम गंदम की पौधे की बढ़ोतरी करना है उसका कद बढ़ाना है उसके पत्तों को सब्ज करना है पत्तों का साइज़ बढ़ाना है और पत्ते ज़्यादा करना है दूसरी खाद फ़ास जिसको हम डीएपी वाली खाद बोलते हैं फास्फोरस वाली खाद बोलते हैं इसका बुनियादी काम जड़ों के निज़ाम को बेहतर करना और जड़ों की नशोनवा करके दूर दूर से खुराक लाना है इसके अलावा दाने का साइज़ बड़ा करना सिट्टा मोटा और लंबा करना और पैदावार का डायरेक्ट तल्लक इस डीएपी इस फास्फोरस के साथ है यूरिया आम तौर पर गंदम को दो बोरी सिफारिश की जाती है दो बोरी की बजाय तीन बोरी डाल लें फसल गिर सकती है लेकिन आपकी पैदावार अच्छी नहीं आएगी जब तक आप डी नहीं डालेंगे तीसरी खाद पोटाश है एस ओ पी सल्फेट ऑफ पोटाश और, और एम ओ पी मोरेट ऑफ पोटाश पोटाश का बुनियादी काम तने को मजबूत करके गंदम की फ़सल को गिरने से बचाना है गर्मी सर्दी कीड़े बीमारी से के ख़िलाफ़ कुफे मदाफ पैदा करना है और उसके साथ साथ गंदम की क्वालिटी को बेहतर करना है उसके अंदर जो रोटी बनाने की क्वालिटी है उसको अच्छा करना है इसके अलावा पोटाश बाकी खादों यानी यूरिया और डीएपी की दस्याबी को बेहतर करती है चौथी खाद जिंक है जिसको हम जिंक सल्फेट बोलते हैं इसका बुनियादी काम नई शाखें बनाना नई कंपने बनाना और पत्तों को जंगलुदा होने से बचाना है जिंक की कमी से गंदम की पैदावार में भी कमी आना शुरू हो जाती है और चौथी खाद बोरान है जिसका बुनियादी काम नर और मादे का मिलाप करना है और पोलिनेशन बेहतर करके सिट्टा और दाने का साइज बड़ा करना है दाना अंदर से खाली रह जाता है दाना पिचक जाता है सिट्टे के अंदर दाना मौजूद नहीं होता इसकी और भी कई वजूहत हैं लेकिन एक एक बड़ी कमी एक बड़ी वजह वो बोरान की कमी है सबसे बेहतर ये है कि आप ज़मीन का तजिया गवर्नमेंट की लिबार्ट्रीज़ या फिर एफ एफ की लिबार्ट्रीज से करवा लें अगर ज़मीन का तजिया नहीं करवाया तो गंदम की पचास मन पैदावार लेने के लिए डेढ़ बोरी सोना डी आधी बोरी एम सस्ती होने की वजह से एस की बजाय एम डालना ज़्यादा मुनासब है दो बोरी सोना यूरिया छः किलो सोना जिंक सल्फेट और तीन किलो सोना बोरान डेढ़ बोरी डी आधी बोरी एम ओ किलो जिंक और तीन किलो सोना बुरान बजाई के वक्त ड्रेल के जरिए डालें या फिर बजरिया छट्टा जब बीज का छट्टा करें इन सारी खादों का छटा कर दें अगर किसी वजह से ये खादें बजाई पे ना डाल सकें तो पहले पानी पर मजबूरी की हालत में ये सारी खादें डाली जा सकती हैं अब रही बार यूरिया गंदम को यूरिया दो बोरी सिफारिश की जाती है एक बोरी यूरिया पहले पानी पर शगुफ़े निकलते वक्त दें अगर गंदम मक्की कपास और कमाव के बाद काश की गई हो तो पहला पानी और उसके साथ यूरिया 20 से 25 दिन बाद दें और अगर गंदम धान के बाद काश की गई हो तो पहला यूरिया और उसके साथ पानी 35 से 40 दिन बाद दें इसी तरह दूसरी यूरिया गोब की हालत में दें यानी बवाई से 80 से 90 दिन बाद दें पछेती काश की सूरत में पानी और यूरिया 70 से 80 दिन बाद दें रेतली ज़मीनों में यूरिया कीचड़ की हालत में यानी गप की हालत में दें तो यूरिया ज़ाया नहीं होगा इसी तरह रेतली ज़मीनों में दो किस्तों की बजाय यूरिया की तीन किस्तें करें और पहले तीन पानी पर हर पानी के साथ पानी बोरी यूरिया दें इससे आपका यूरिया कम से कम ज़ाया होगा ये थी मेरी बातें गंदम में खादों के इस्तेमाल के हवाले से बहुत शुक्रिया